ओम प्रकाश राजभर ने ली भीष्म प्रतिज्ञा। अखिलेश यादव के सामने किया बड़ा वादा। ओपी राजभर की प्रतिज्ञा से बीजेपी घबराई। ओम प्रकाश राजभर बोले, पूर्वांचल में बीजेपी का खाता भी नहीं खुलने दूंगा। सुभाषपा प्रमुख और सपा के गठबंधन साथी ओम प्रकाश राजभर के तेवर देख अब विरोधियों को पसीना आ रहा है और राजभर अपने चिर परिचित अंदाज में विरोधियों की ईंट से ईंट बजाने में लगे हैं। पूर्वांचल के कद्दावर नेताओं में ओम प्रकाश राजभर का नाम आता है और ओम प्रकाश राजभर का सियासी रसूख भी कुछ ऐसा ही संकेत देता है। अब राजभर ने बीजेपी के खिलाफ अखिलेश यादव के सामने एक ऐसी प्रतिज्ञा ले ली कि बीजेपी के लोगों का हलक सूखा दिखाई दे रहा है और रैलियों में बीजेपी नेताओं का गला सूख जाता है। वहीं राजभर केंद्र और राज्य सरकार के पुराने वादों को याद दिला दिलाकर बीजेपी की बैंड बजाने में लगे हैं। ओम प्रकाश राजभर का जलवा ही है कि अब वो बीजेपी के लिए गले की हड्डी बन गए हैं और राजभर ने अब अखिलेश यादव के सामने मंच से ऐसा ऐलान किया कि पूर्वांचल में बीजेपी का खाता भी नहीं खुलने दूंगा। आप भी सुनिए राजभर ने कैसे अखिलेश यादव के सामने बीजेपी को हराने का संकल्प लिया। अरे देश बेच दिया, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की देश नहीं बिकने दूंगा। रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया और नारा दिया था, अरे गरीबों हवाई चप्पल पे चलने वाले लोगों तुझे हवाई जहाज में उड़ाऊंगा। जहाजियों बेच दिया और बेच बेच के रुपया कुल इकट्ठा कर ले हुआ और वही रुपया के लेके कुल उड़ावत हुआ। पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलने दूंगा ये सोच लेना। ओपी राजभर ने जिस अंदाज में बीजेपी को ललकारा है और हराने की चुनौती दी है उससे पूर्वांचल की सियासत में हलचल और खलबली दोनों देखने को मिल रही हैं। राजभर ने हवाई चप्पल और देश न बिकने देने वाले जुमले याद दिलाते हुए जहां आवाम को बीजेपी के द्वारा ठगने का आरोप लगाया तो वहीं मौके पर मौजूद जनता से भी वादा करवा लिया कि ऐसे लोगों के खिलाफ वोट करना ही होगा। वहीं बीजेपी के नेता राजभर के संकल्प को घुड़की बता रहे हैं, लेकिन सपा नेताओं का कहना है कि जब आपकी हर बात विरोधी ध्यान में रखे और उस पर प्रतिक्रिया दे तो आप समझ जाइए कि हवा का रुख क्या है और सामने वाले के मन में आपका कितना खौफ है। बीजेपी नेताओं में डर है, इसीलिए राजभर के संकल्प को घुड़की बता रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये घुड़की हार का कारण बनने वाली है और बीजेपी की विदाई सत्ता से होने वाली है। ये सारे आरोप सपा नेताओं ने लगाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।